सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। थंबनेल देख के आप समझ गए हो, ये जो है मतलब इंट्रोड्यूसिंग दैट स्टील्स वर्जन 2, मेरे लाइफ का सेकंड और सॉरी मेरे लाइफ का थर्ड बाइक बजाज पल्सर NS 200 2022 मॉडल। क्योंकि प्रीवियस वीडियो पे मैंने बोला था मेरा मैन जिक्सा सेल कर दिया, तो उस टाइम बोला था एक अच्छा डील मिल गया था NS के ऊपर। सो यही है वो बाइक NS 200 2022 मॉडल। और गाड़ी अभी भी मैंने जब लिया था उस टाइम पे 4100 के आसपास लिया था, अभी 4700 मैं चला चुका हूँ। नियरली 600 किलोमीटर, अभी भी एक महीने नहीं हुआ गाड़ी। नियरली अभी मैं जब बना रहा हूँ वीडियो 21 डेज ऐसे कुछ, बट गाड़ी का अभी भी नाम ट्रांसफ़र नहीं हुआ। बट जब मैं वीडियो डालूँगा उस टाइम पे ऑब्वियसली नाम ट्रांसफ़र हो जाएगा, उसके बाद ही मैं वीडियो पब्लिश करूँगा। क्योंकि जो प्रीवियस ओनर है उसके नाम पे गाड़ी है, मैं वीडियो डालूँगा ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ। सो दिस इज़ द थिंग। एंड अच्छा सा डील में मिला, 4000 किलोमीटर गाड़ी चला था, एवरीथिंग इज ठीक ठाक है सब कुछ। बट जो है एक्सीलेटर केबल एंड क्लच केबल, मतलब गाड़ी जो है 23 साल में पूरा पड़ा, मतलब पड़ा था गाड़ी, तो इसके लिए इधर थोड़ा सा जो है मतलब ये क्लच केबल एक्सीलेटर केबल थोड़ा सा हार्ड हो गया। सो इसके लिए एक बार मैं सर्विस करूँगा गाड़ी को। मतलब गाड़ी लेने के बाद भी ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर मैं चला लिया, बट लेकिन अभी मुझको लगता है एक बार सर्विस करूँगा उसके बाद ही गाड़ी चलाऊँगा। दिस इज़ द थिंग। आज मतलब मैंने वीडियो करने के लिए लाया था, लेकिन जब मैंने गाड़ी लिया था ये सब, ये जो मतलब KTM का जो ओरिजिनल इंडिकेटर आता है, KTM या यू कैन से कि डोमिनार और RS का, वो पहले जो प्रीवियस ओनर था वही इंस्टॉल करके दिया था ये सब चीज़। हालांकि मेरे जिक्सर पे था चारों इंडिकेटर, बट उधर से मतलब जो दो पीछे वाला था वो एक्चुअली टूट गया था, और जो था दोनों वो मैं जो अग्निव को दे दिया। सो और ये मैंने इंस्टॉल किया, अभी तक के लिए सिर्फ यही मैंने मॉडिफिकेशन किया हूँ कार्बन रेसिंग का, विथ स्टे मुझको पड़ा है 2150 रुपीज़। क्वालिटी ठीक ठाक है, लेकिन थोड़ा सा आपको इधर से मतलब ये लगाने के बाद थोड़ा सा वाइब्रेशन का इशू आएगा, तो आपको इधर थोड़ा सा टेप वेप लगाना पड़ेगा वाइब्रेशन रिड्यूस करने के लिए। और ये जो है FI मॉडल है, तो गाड़ी को एक बार सर्विस का ज़रूरत है, एक बार मैं सर्विस करूँगा उसके बाद ही मतलब जो है पूरा राइड करूँगा। और ये जो स्टिकर है वाइट एंड रेड, ये स्टिकर भी मतलब जो व्हील पे है एकदम खास नहीं, मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको भी मुझको निकालना है और मेरे मुताबिक जो है स्टिकर मैं करूँगा इस गाड़ी पे। सो दिस इज़ द थिंग, इंट्रोड्यूसिंग स्टील्थ वर्जन 2 बजाज पल्सर NS 200 आफ्टर मतलब जो है ये जो 2023 में मेरा जो बाइक का लाइनअप था, मतलब जो मेरा जिक्सा था, KTM RC था, वो दोनों गाड़ी मतलब मैं सेल कर दिया। और इस चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास KTM RC 390 जो है वो भी मैंने प्री ओन लिया था, उसकी एक्सेस जो अभी भी मेरे पास है वो भी मैंने प्री ओन लिया हूँ, उससे पहले भी जो मेरा एक्सेस था वो भी मैंने प्री ओन लिया था, तो मेरे पास अच्छा खासा नॉलेज है जो प्री ओन गाड़ी चूज करने का ऊपर, मतलब अच्छा खासा मैं बोल सकता हूँ जितना जो है। तो अगर आप लोगों को जो है मतलब कोई भी ज़रूरत है तो मुझको बोलना, जो इसके ऊपर मैं वीडियो डाल दूँगा क्या क्या चीज़ चेक करना है क्या नहीं, दिस इज़ द थिंग। और अभी के टाइम पे मैं यही चीज़ बोलूँगा, अगर मतलब आपके पास बजट है भी तो भी मतलब नया गाड़ी, तो मैं तो सजेस्ट उतना नहीं करूँगा, क्योंकि अभी का जो सिचुएशन है मतलब बहुत लोग है कि मतलब एक साल दो साल में गाड़ी चेंज कर लेता है, तो अगर आप टाइम दोगे तो इसमें आप गुड डील आपको मिल सकता है। सो दिस इज़ द थिंग। अगर आपका इसके ऊपर कुछ वीडियो या कुछ चाहिए तो उसको मतलब कमेंट करना, मैं ज़रूर से ट्राई करूँगा कि इसके ऊपर कुछ वीडियो मैं बना सकूँ। तो या थैंक यू एक्सप्लोरर राइडर, साइनिंग ऑफ।